जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो फिर आज के मेरे न्यू ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत है। तो फिर हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ग्राम कोकड़ी गांव में, जहाँ शिव महापुराण की भव्य कथा हो रही है और आप लोग को मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ। और पूरा ना बहुत माहौल है, तो फिर लाइन पे पूरा बने रहो और फिर आप लोग देखो। तो फिर दोस्तों देख रहे हो, बहुत भीड़ है। और ये जो पंडाल है, यहाँ जो अंदर में घर दिख रहे हैं, वहाँ महाराज जी का ठहरने का जगह है, वहाँ रुके हैं, रात को आ चुके हैं 10 बजे करीब। और देख रहे हो इधर बहुत भीड़ है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा आज पूरा सबसे मेन भीड़। देख लो, अभी पूरा अंदर की ओर मैं जाऊंगा। और आज तो बहुत ही भीड़ है, तो फिर लाइन पे पूरा बने रहो दोस्तों, आप लोग को पूरा मैं दिखाऊंगा। और सब चीज़ मजा लो, इंजॉय करो घर बैठे। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों मेरे चैनल को। तो फिर देखो, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो फिर दोस्तों अपन आ चुके हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और पहुंच गए हैं, देख रहे हो बहुत भीड़ है यहाँ। और हम लोग को कथा सुनने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, हम लोग पास में जा रहे हैं देख के जगह वगैरह, और जगह मिलेगा तो फिर देखेगा किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की कोई भी भक्त ना करे। तो फिर अभी बाहर की ओर श्री विजय सेवा समिति का जो कार्यालय बना हुआ है, उस कार्यालय में अपनी सेवा राशि जमा करकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। और कथा पंडाल में जगह जगह दान पात्र लगे हुए हैं, उस दान पात्र में आप अपनी सेवा राशि समर्पित कर सकते। पुष्प रुद्रेश का फोटो बना हुआ है, उन्हीं कार्यकर्ताओं को अपनी सेवा राशि समर्पित करें। आप सभी पढ़े लिखे समझदार वर्ग से हैं, आप सभी इन बातों को भली भांति समझते हैं। और वैसे भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो फिर दोस्तों अपन फाइनली पूरा पहुंच चुके हैं महापुराण की कथा सुनने के लिए। और अभी देख रहे हो सामने स्टेज पे मैं हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है, सामने स्टेज पे आ चुका हूँ। तो फिर और पूज्य गुरु मिश्रा जी से आप लोग को भी मिलवाऊंगा मैं सामने को आएंगे। तो फिर लाइव दोस्तों अपन आ चुके हैं, देख रहे हो बहुत ही भीड़ है, और आप लोग दर्शन करिए, भीड़ का मजा लीजिए, देख रहे हो। और ये सामने स्टेज है, मेन स्टेज पे मैं आ चुका हूँ, देख रहे हो अभी महाराज जी आए नहीं है, आगमन होने जाएगा। बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, और कोकड़ी बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जब तक भोलेनाथ की कृपा जी पर ना हो, तब तक इस धरती में, दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी उनकी कृपा से ही इस संसार सागर में जी रहे हैं, उनकी कृपा से ही सारे कार्य कर रहे हैं। हमें निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम बाबा के चरणों तक पहुंच सकें और बाबा से अपने मन की बात हम कर सकें, क्योंकि बड़ा ही सुंदर और
और सरल रास्ता हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल से निश्चित ही हम हमारी सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं और बाबा भोलेनाथ के चरणों तक हम पहुंच सकते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करा है। सभी सनातन धर्म को मानने वाले जी को आज पूज्य गुरुदेव सभी को इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं और सभी को किसी भी तरीके से मंदिर पहुंचे यही प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। हम सभी को भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यही तो गलती है ना, तुम तो क्रिकेट अच्छी। एक ओवर में एक ही गेंद डली है, बस गोली बार बार आई है, बदल बदल के पीली लाल नीली हरी गुलाबी डाली है, तो फिर कैसे कह दिया तुमने छह? थी एक ही फेंकी छह बार गई, थी है महाराज। हमें भी बस यही पहचानना कि हमारा मानव शरीर किस लिए मिला है। उस मानव शरीर को प्राप्त हमने कर लिया, पर उसने करे क्या? इस मृत्यु लोक में आने के बाद हमको करना क्या है? इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें करना क्या? हमें मिल तो गया, पर उसका उपयोग क्या? शरीर आज जायसवाल परिवार ने अगर यहाँ कौपड़ी में कथा करवाई है, आप सब ने मिलकर इसको संभाला है, पूरे कौपड़ी गांव में संभाला, पूरा बलौदा बाजार में संभाला और ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग बता रहे हैं, आप लोगों ने इस कथा को संभाला जरूर है, पर हिम्मत करी जायसवाल परिवार ने और हिम्मत करी तो ये कौपड़ी में कथा।
Thank you.
और अपन बुखार की ओर जाएंगे। और सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हो मंच खाली होते जा रहे हैं, फिर कल आएंगे, फिर और देखेंगे दोस्तों। दोस्तों बस ये पुराण की कथा पूरा सुन चुके हैं, 4:23 हो चुके हैं और फिर पुराण का देख लो दोस्तों। हम लोग घर जा रहे हैं और अपन शिव पुराण को सुन चुके हैं, तो फिर मैं भी चलता हूँ दोस्तों घर की ओर।